Hello everyone, welcome back to our channel. So in this video we are going to discuss about question number 15, that is from exercise 8.4. So it says a ladder rests against a vertical wall at an inclination alpha to the horizontal. Its foot is pulled away from the wall through a distance p so that its upper end slides at a distance q down the wall. Then the ladder makes an angle beta with horizontal. Show that P over Q equals cot beta minus cos alpha over sin alpha minus sin beta. अब यहाँ पे जो हमें information दी है, सबसे पहले बोला है एक vertical wall है. तो सबसे पहले we will draw a wall here. This is my wall, vertical wall. अब यहाँ पे उन्होंने हमें बोला है कि एक ladder rest कर रही है against this vertical wall at an inclination of alpha, मतलब उसके respect में angle कितना बन रहा है हमारा alpha. So this is done. अब उन्होंने बोला its foot is pulled away from the wall for distance p so that its upper end slides at a distance q down the wall. अब क्या हो रहा है कि ये जो ladder है, ये WA ले लेते हैं इसको, यहाँ पे WA जो लैडर है हमारी, वो क्या हुई है, पीछे की तरफ उसको खींचा गया है. तो उसका डिस्टेंस जो नीचे की तरफ है वो थोड़ा सा स्लाइडिंग वे में हो गया. देखो ये जो WA है अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, आपका DL में. और उन्होंने क्या बोला कि कितने डिस्टेंस से पीछे गया है, वो P डिस्टेंस से. इसका मतलब हमारा LA कितना हो गया, इट इज P. और हमारा AB हम मान लेते हैं इट इज Y. और एंगल कितने का बन रहा है, इट इज गिवन हियर दैट इट इज बीटा. तो बीटा हो गया ये अब हमारा. और यहाँ पे डी बी हम एक्स ले लेते हैं, ऊपर वाला हमारा क्यू है. उन्होंने बोला हुआ है कि अपर एंड स्लाइड्स एट अ डिस्टेंस क्यू. डब्ल्यू से वो कहाँ पे चला गया, डी पे चला गया. जो लैडर का एंड था वो डी पे चला गया. अब उसके बाद हॉरिजॉन्टल एंगल हो गया यहाँ पे, बीटा बनाया हुआ है यहाँ पे. शो दैट पी ओवर क्यू. अब हमें ये निकालना है कि हमारा आंसर क्या पी ओवर क्यू इस फॉर्म में आ रहा है या नहीं आ रहा. तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि कौन से एंगल यहाँ पे प्रेजेंट है. तो हमारे पास दो ट्राइंगल प्रेजेंट है यहाँ पे, दैट इज डब्ल्यू बी ए एंड डी बी एल. तो दो एंगल से वी विल गेट वट एवर वैल्यूज वी विल गेट, वी विल सी एंड चेक कि हमारा ये वाला पार्ट आ रहा है या नहीं आ रहा. तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इन ट्राइंगल ए बी डब्ल्यू, सबसे पहले हमारा ट्राइंगल है ए बी डब्ल्यू और जो लैडर की लेंथ है उसको जेड ले लो. दोनों की लैडर की लेंथ होगी जेड. अब हम यहां से निकालेंगे साइन अल्फा. साइन क्या होता है हमारा, सम पीपल हैव पी ओवर एच, मतलब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस. परपेंडिकुलर इज क्यू प्लस एक्स, पूरा ले लिया क्यू प्लस एक्स, और यहां से हाइपोटेनियस कितना हो गया हमारा जेड. सो दिस इज माय साइन अल्फा. अब यहीं से हम कॉस अल्फा की वैल्यू भी निकालेंगे. अब हम कॉस अल्फा साइन अल्फा क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो साइन अल्फा भी प्रेजेंट है, कॉस अल्फा भी प्रेजेंट है, तो इसलिए हमें ये दो वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी. तो कॉस क्या होता है, कर्ली ब्राउन हेयर, बी ओवर एच, बेस ओवर हाइपोटेनियस. बेस हो गया आपका वाई, हाइपोटेनियस कितना हो गया आपका जेड. अब आपने क्या करना है, आपने दूसरा ट्राइंगल लेना है, दैट इज ट्राइंगल एल डी बी. अब एल डी बी में हमें बीटा वाले देखो कि कौन से चाहिए, वी नीड कॉट बीटा एंड वी नीड साइन बीटा. सो इट विल बी, दिस इज कॉस, दिस इज नॉट कॉट, सॉरी दिस इज कॉस. तो कॉस बीटा चाहिए हमें और हमें साइन बीटा चाहिए. सो कॉस बीटा हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, कॉस क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस. तो बेस देखो एल डी बी एंगल का, पूरा एल डी बी एंगल का बेस क्या है, पी प्लस वाई ओवर जेड, हाइपोटेनियस इज जेड. अब हमें निकालना है साइन बीटा. साइन बीटा क्या होता है हमारा, सम पीपल हैव पी ओवर एच, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, दैट इज एक्स एंड जेड. तो अब हमें क्या करना है, अब हम राइट हैंड साइड लेंगे, जो हमें गिवन पार्ट है इसका राइट हैंड साइड ले लो.
जो हमें प्रूफ करना है दैट इज कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। अब यहाँ पे जो हमने वैल्यूज निकाली हैं सारी उनको हमें पुट करना है इनटू दिस इक्वेशन और चेक करना है कि क्या हमारा आंसर पी ओवर क्यू बन रहा है या नहीं। अब वैल्यूज पुट करते हैं, कॉस बीटा इज पी प्लस वाई ओवर जेड एंड कॉस अल्फा इज वाई ओवर जेड एंड वी हैव साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। साइन अल्फा इज क्यू प्लस एक्स ओवर जेड देन वी हैव माइनस एक्स ओवर जेड। अगर आप देखो तो दोनों के ही जेड जेड आ रहे हैं यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे कोई एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपका क्या हो जाएगा आंसर, पी प्लस वाई माइनस वाई ओवर जेड ओवर क्यू प्लस जेड सॉरी क्यू प्लस एक्स माइनस एक्स ओवर जेड। जेड से जेड कैंसिल हो गया, वाई से वाई कैंसिल हो गया, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, सो यू आर लेफ्ट विथ पी ओवर क्यू विच इज योर लेफ्ट हैंड साइड। So this is your answer for question number 15. Thank you for watching this. Please like, share and subscribe.